इस देश की बदनसीबी है कि अर्नब गोस्वामी के मामले में रात को सुनवाई करने वाली जो सुप्रीम कोर्ट है, जिस पर हम सबका विश्वास है, वो एक हफ्ता के बाद ऑक्सीजन पर सुनवाई होती है और उसका निराकरण कुछ नहीं निकलता। पूरा देश शमशान बन गया है। जब हम बिहार बॉर्डर गोरखपुर से होते हुए हम दिल्ली को और कूच करते हैं तो सड़कों के किनारे सिर्फ शमशान होता है। जब हम पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए आगे बढ़ते हैं तो सड़कों के किनारे शमशान होता है। इस देश की विडंबना देखिए। हमारे देश के आज पत्रकार आज तक के रोहित सरदाना जी और हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी अभी चले गए अरुण कुमार, गांव से लेकर झोपड़ी से लेकर सचिवालय तक और अस्पताल से लेकर शमशान, कि ये हालात है। ये 48 लाश हैं, 48 लाश में हो सकता है 7-8 लाश कोविड ना हो। ये गिनती से मैंने 48 लाश गिने हैं। और दिन में ही 48 लाश है। हाँ तथा दीजिए जी। और एक घाट पर है जिसमें मेरे ख्याल से 38 से 39 40 के लगभग ये पॉजिटिव लाश होंगे। और इस लाश के लिए वहां 6,000 से 15,000 तक रुपया लिया जाता है जलाने के लिए। उसके भी वीडियो है मेरे पास। मेरे सामने 6,000 रुपया लिया गया लाश जलाने के लिए। सरकार कहती है 65 रुपया। 6,000 रुपया कोई देश डोम राजा को मुझे आपत्ति नहीं है, कोई दान दे दे मुझको आपत्ति नहीं है, लेकिन लाश जलाने के नाम पर एसकेएम से पैसा ले वो आश्चर्य होगा। सरकार को अब शमशान घाट खोल लेना चाहिए कि उससे ज्यादा इनकम अब आएंगे। हर परिस्थितियों में शमशान से लाभ। दूसरा यह है एसकेएमसीएच। ये देखिए एसकेएमसीएच का कचरा देखिए। ये वार्ड हमारे सामने 3 लाशें, ये कचरा लैट्रिन और बाथरूम वार्ड में तैर रहा था। सारी लैट्रिन और बाथरूम में एक आदमी, आपको आश्चर्य होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये लैट्रिन देखिए। ये कोई मतलब आप आश्चर्य होगा। बाथरूम सब आपको आश्चर्य लगेगा। मतलब मेरा 2-3 बात कहना है सरकार से कि कितने लाश के बाद, कितने शमशान के बाद आप तय करेंगे। पहला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार कुछ महीनों के लिए अपने नियंत्रण में ले। प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार अपने नियंत्रण में ले। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करे जो यह तय करे कि किसे अस्पताल की जरूरत है, किसे कोविड वार्ड की जरूरत है और किसे कोविड वार्ड की जरूरत नहीं है। हर अस्पताल में स्पेशल नर्स की व्यवस्था हो जो सिर्फ ऑक्सीजन देके मरीज का दूसरा कोई काम ना करे। रिटायर्ड जज
और रिटायर्ड प्रशासनिक पदाधिकारियों को अस्पताल के मैनेजमेंट में लगाया जाए, कोविड अस्पताल के मैनेजमेंट, ताकि चिकित्सकों और नर्सों पर लोड कम पड़े, वो मेडिकल का काम करें, प्रशासनिक काम रिटायर्ड प्रशासनिक पदाधिकारी और रिटायर्ड जज के अंदर हो। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि अखबार बेचने वाला व्यक्ति इस देश का अब्दुल कलाम हो सकता था। तो जितने लोग, हजारों हजार लोग डरे हैं, क्या उसमें कोई अब्दुल कलाम पीएम और कोई डीएम, कोई देश का सबसे बड़ा किसान हो सकता था कि नहीं? वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के बगैर 260 वेंटिलेटर पूरे बिहार में है मात्र, 260 बेड दुनिया का सबसे कम। फिर सरकार चिंता कहां से रखेंगे लोगों को? ऑक्सीजन का हाहाकार, ऑक्सीजन के एजेंसी वाले कंप्लीट ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। चौदह हजार दवाई सरकार के अनुसार आने के बाद और भी दवाई की कीमत बढ़ गई। चालीस चालीस सत्तर हजार में एक रेमडेसिविर, डेक्सोना, विटामिन सी, सारी दवाई गायब। बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर जो ओरिजिनल दाम है दवाई की, उसको सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए, और जितना स्टॉकिस्ट है उन पर जांच हो, इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, जज की इंक्वायरी हो, क्योंकि जितना बड़ी कंपनियों और फैक्ट्री वालों के यहां स्टॉकिस्ट है, लगभग सब के सब माल को गायब कर दिए। इन एक तरफ गैस एजेंसी की भेंडर, उनकी इंक्वायरी कि ऑक्सीजन जा कर रहा है, जब डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा देना है तो फिर भेंडर को क्यों? आज जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो भेंडर के चलते, आज जो दवाई की कीमत है वो पदाधिकारी और सिस्टम के चलते और रिटेलर के चलते, जो यहां पर कंपनी के रिटेलर हैं। पांचवी चीज, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक आप अविलंब हटाइए। आप दूसरा बैठाइए, मुख्यमंत्री जी को पूरा का पूरा बरगलाने का काम किया। एनएमसीएच में ऑक्सीजन आज भी नहीं है, एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने आज वहां बयान दिया टीवी चैनल को कि हमको 700 सिलेंडर चाहिए, मात्र 200 से 250 है, वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। डेली एसकेएमसीएच में 25 से 26 लाशें नर्क, न पानी की सुविधा, एक भी बाथरूम में पानी नहीं था, सारे प्रेस के लोगों ने देखा, किसी बाथरूम में पानी नहीं। कोई सफाई कर्मी नहीं,
और एक भी डॉक्टर नहीं जाते थे। रेमडेसिविर किसी को नहीं मिला अभी तक। और ऑक्सीजन के चलते प्राइवेट नर्सिंग होम में पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। रात भी मैं कई निजी और नर्सिंग होम गया हूं, उसको भगाने की तैयारी। सरकार जितनी पैसे खर्च करते हैं रेमडेसिविर पर, वो पप्पू यादव को दे, हम एक एक व्यक्ति को रेमडेसिविर पहुंचाएंगे। एक रुपया नहीं लगेगा। पत्र लिखेंगे? पत्र लिख चुके हैं, फैक्ट्री के मालिक को पत्र लिख चुके हैं हम रेमडेसिविर के लिए कि बिहार में रेमडेसिविर की उपलब्धता करो, नहीं तो तुम्हारी कंपनी को हम रोकेंगे। चैलेंज कर दिए हैं। सिप्ला को भी बंद करने के लिए बोले थे, क्या हुआ? सिप्ला को चिट्ठी लिखे, सिप्ला कंपनी ने कहा सरकार 14,000 हमसे ली है और मैं देने को तैयार हूं, सरकार नहीं उसकी व्यवस्था करा रही है। इसीलिए हालात अच्छे नहीं है, हर घर के लोग परेशान। दिल्ली में रोहित सरदेना की मौत, ऑक्सीजन और सही एक दिनों के अंदर, जबकि दो दिन पहले उन्होंने कई लोगों की मदद के लिए ट्वीट किया है, परसों भी उन्होंने ट्वीट किया है और एक दिनों के बाद मौत। कई ऐसी नयाब हिंदुस्तान के लोगों की मौत और अब भी सरकार मस्त। इसीलिए मैंने ये बात आपको कही कि स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी को निकाल हटाने की जरूरत है। निजी अस्पताल को मैंने पहले कहा कि वहां भी जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उसका भी आप जीवन बीमा बीमा करिए। सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं, यानी तो कोविड का आप टेस्ट वहां पर इलाज मत कराइए। और अविलंब रिटेलर दवाई के और ऑक्सीजन के वेंडर, इस पर कार्रवाई, इस पर एफआईआर लॉज हो, यह मेरा डिमांड है। सरकार का जो आंकड़ा है अब तक में कोविड से मरने वालों की संख्या 2480 है बिहार। सर मेरा सिर्फ इतना कहना है, सरकार लाशों को छुपा क्यों रही है? महाराष्ट्र में तीसरे फेज की तैयारी शुरू कर दिया वहां की सरकार, और वहां छुपाती नहीं है, वहां पर एक एक चीज ऑनलाइन लाती है कि कितने घटना, और तीन हिस्से बिहार सरकार चीजों को छुपाती है, जांच नहीं आने देता है बिहार सरकार, 10 दिन 15 दिनों तक जांच नहीं आती है, और मौत को बिहार सरकार छुपा रही है। मैं आग्रह हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा बिहार सरकार से, मौत को मत छुपाइए प्लीज, कंप्लीट छुपा रही है। अभी तक 5,000 से ऊपर मौत हो चुकी है बिहार में। पप्पू जी वेंटिलेटर कई जिला अस्पताल में मौजूद है लेकिन चलाने वाले कोई नहीं, वेंटिलेटर सर रहे। भैया 260 वेंटिलेटर है पूरे बिहार में, वेंटिलेटर के लिए टेक्नीशियन होता है वो नहीं है, और वेंटिलेटर लगभग खराब पड़ा हुआ है क्योंकि कभी लगा ही नहीं। निजी अस्पताल कंप्लीट रूप से, ऑक्सीजन का पैसा अलग, वेंटिलेटर का पैसा अलग, दवाई का पैसा अलग, बेड का पैसा अलग, एक दिनों में 1,00,000 रुपया, भाई इतनी लूट। सरकार
से मैं मांग करता हूं पत्रकार जी आप सबसे हाथ जोड़कर, मैं वचन देता हूं इस टीवी के सामने हम खुद कंपनी से लाएंगे दवाई, सरकार हमको लाने का आदेश दे, 2,000, 3,000, 4,000 जो होगा हम किसी न किसी कंपनी से लाने को तैयार हैं, सरकार उसकी बिलिंग दे करके वो दवाई पप्पू यादव जो वो लाने को मैं तैयार हूं और एक एक दवाई पप्पू यादव लोगों को पहुंचाएगा, सरकार तैयार हो सरकार। पटना में मैं किसी को किसी दलाल के पास नहीं जाने दूंगा, ये रिटेलर लोगों से कल से मैं थक थक के आऊं कि मैं बाहर से दवाई ला रहा हूं आप उसकी बिलिंग करो और वो दवाई हर आदमी तक पप्पू यादव पहुंच जाएगा, लेकिन उसको डर है, बाप रे बाप हमारी कमाई बंद, डीए को कमाई बंद। मैं चुनौती देता हूं आज सरकार तैयार हो, कल 3,000 दवाई हम लाएंगे और पटना को डेली 3,000 दवाई जिसको जरूरत होगा पप्पू यादव देगा, बस इतना ही। सर कल से मैं बिलिंग मांग रहा हूं किसी कोई रिटेलर से हम देने को तैयार, क्यों?